एक्ट में बदलाव को लेकर कमर्शियल वाहन संगठन 3 जनवरी को हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन देर रात दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद देश के लगभग सभी वाहन संगठन प्रदर्शन से बाहर हो गए थे। लेकिन जयपुर में कुछ कमर्शियल वाहन संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि कल 18 ऐसे संगठनों का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज 14 संगठन ही प्रदर्शन में शामिल बताए गए हैं। ये पूरा मामला आखिर कहां अटका है, जानने के लिए कमर्शियल वाहन संगठनों के नेताओं से हमारे संवाददाता आसिफ खान ने बातचीत की है। हिट एंड रन एक्ट मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि कल देर रात दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कुछ संगठनों ने प्रदर्शन और हड़ताल को वापस ले लिया था, लेकिन अभी भी राजस्थान में 14 संगठन जो है वो लगातार जो है वो बने हुए हैं। इनका कहना है कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। कुछ ड्राइवर्स के संगठन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह, ये बताओ आपका संगठन अभी भी जो है वो स्ट्राइक में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी ये देश की लोकसभा से जो पारित हुआ है ये कानून, उस कानून के अगर कानून पास करते तो हम यहाँ से जो सांसद चुन के भेजते हैं उनको इस चीज का मुद्दा उठाना चाहिए पहले। बट ऐसी नौबत आती है कि वहाँ पे हमारे ना कोई हमारे यहाँ सांसद भेजा जाता है वो कोई इस चीज का मुद्दा नहीं उठाते। एक कानून वो एक 5 लोग इकट्ठे होकर बना। हाँ, कानून पर्व सिंह क्या आप क्यों कर रहे हो सर? ये आपसे जो आदमी 10,000 महीना कमा रहा है बुरा मतलब, भाई साहब उसके 2 साल बाद 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, 10 साल जेल में रहेगा वो। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह खंगारोत है और मैं जयपुर, मैं ट्रैक में ड्राइवर हूँ, एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी मांग ये कि जो भी काला कानून लिया है इसको वापस किया जाए, ये हमारे ड्राइवरों के हित में नहीं है। और रन एंड रेट को ये तमाम अलग अलग संगठन के ड्राइवर से, कोई टैक्सी एसोसिएशन से, कोई मिनी बस एसोसिएशन से है, अलग अलग तरह के ड्राइवर्स यहाँ पर खड़े और इनका साफ तौर पर कहना है कि कंफ्यूजन की जगह ये साफ किया जाए कि कानून को वापस ले लिया गया है। क्योंकि एक ड्राइवर जो 10 से 15 हजार रूपए की तनख्वाह पाता है वो इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से चुकाएगा? कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, News 18 जयपुर। तो ये पाली में हिट एंड रन कानून को लेकर के चल रही विभिन्न वाहन चालक यूनियन की हड़ताल अब खत्म हो गई है। पाली जिला मुख्यालय पर विभिन्न यूनियन से पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इसके बाद प्रादेशिक परिवहन निगम के अधिकारियों ने सभी चालकों को कानून को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर केंद्र की सरकार की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन यूनियन से इस मामले में विचार विमर्श करने के बाद ही इसे पास किया जाएगा। तो हिट एंड रन कानून में हुए बदलावों के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थितियां बन गई थीं, जिसके चलते अजमेर में बस और टैक्सी यूनियन की ओर से 3 जनवरी को यातायात बंद रखने का आह्वान किया गया था। वहीं सरकार के नए हिट एंड रन कानून के अभी रोक लगाने के बाद सभी स्थानों पर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद यह फैसला किया। इस दौरान शहर में यातायात के हालातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों की हड़ताल को लेकर के तीसरे दिन जिला कलेक्टर ने बैठक ली है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में बस और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी और चालक शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर SP ने नए कानून के प्रावधानों से चालकों को परिचित करवाया है। आपको बता दें कि कानूनों को आम जन का हितेशी बताते हुए संगठन से हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है। बस यूनियन और ट्रक यूनियन अध्यक्षों ने हड़ताल खत्म करने पर भी सहमति प्रकट की है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकार ने अभी नए कानून को होल्ड पर रखा हुआ है। तो करौली में भी आपसी समन्वय बनाने, बातचीत और नए कानून को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से कदम उठाया गया। जिला कलेक्टर ने ड्राइवर्स के साथ बैठक की है और इस कानून को लेकर चर्चा की है। भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया ही पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके जो कुछ प्रावधानों को लेकर जो इश्यूज आ रहे थे उसको लेकर ही आज हमने करौली जिले के जो बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन और साथ ही साथ हमारे जो ऑयल कंपनीज के अधिकारी हैं और जो दूध के सप्लायर्स हैं उनके साथ बैठक करी थी। और मेन इशू जो डिस्कस हुआ वो यही था कि जो सेक्शन 102 सब क्लॉज 2 को लेकर जो एप्रिहेंशन है उसको क्लियर किया गया और साथ ही साथ हमने अपील करी है एसोसिएशन से
कि वो काम पर लौट जाएं। हमें बुलाया गया था, जिला प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई है और इस वार्ता में जो रात का डेवलपमेंट बताया गया है वो हमारी जानकारी में है। हम लोग भी अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से और चालक परिचालकों से सभी से सलाह मशवरा करके इस ऑपरेशन को चालू करने की प्रयास करेंगे और प्रयासरत भी हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर झालावाड़ से, जहां पर उज्जैन तक नई रेल लाइन शुरू करने की फिर से मांग उठने लगी है। इस बार रायपुर इलाके के खेजरपुर गांव के लोगों ने झालावाड़ उज्जैन रेल लाइन के शुरू किए जाने के लिए पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है। इसमें प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय के नाम पोस्टकार्ड लिख करके सालों से मांग की जा रही है। इस रेल लाइन की मांग को पूरी करने की अपील की जा रही है। पहले भी इस रेल लाइन को शुरू करने को लेकर साल 1998 में एक सर्वे हो चुका है, लेकिन इस रेल लाइन का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया और ऐसे में ग्रामीणों ने अब पोस्टकार्ड अभियान चला करके प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय से झालावाड़ को धार्मिक शहर उज्जैन से जोड़ने की मांग की है। रेलवे लाइन जो बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन परियोजना है, जिसकी मांग करने हेतु हम प्रधानमंत्री जी को एक ये मांग रखते हैं, जो लेटर के द्वारा उनको अवगत करा रहे हैं। उज्जैन से झालावाड़ तक की सारी जनता मिलके, एक 150 किलोमीटर का क्षेत्र है पड़ता है, यहाँ से यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा इस रेलवे लाइन निकलने से। ये क्षेत्र पड़ता है पूरा क्षेत्र में, कोई रेलवे विहीन क्षेत्र है ये। यहाँ के लोगों को रेलवे लाइन निकलने से रोजगार मिलेगा और यहाँ विकसित ये क्षेत्र पूरा विकासशील हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर देखेंगे सर्दी के सितम की, जहां राजस्थान में एक बार फिर से सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में गाइडलाइन जारी की है और सर्दी से बचाव की लोगों से अपील भी की है। अजमेर की बात करें तो यहां पर तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शीतलहर की वजह से आम जनजीवन अजमेर में अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। अजमेर से हमारे संवाददाता ने नया बाजार में लोगों से बात की, सर्दी को लेकर के उनके हालचाल जाने। अजमेर में सर्दी का सितम एक बार फिर बढ़ने लगा है। तापमान 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। अजमेर में अलग अलग स्थानों पर लोग अलाव तापते में नजर आ रहे हैं। अभी दोपहर होने वाली है, इससे पहले ही आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अलग अलग दुकानों पर पहुंच रहे हैं और बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो दोपहर तक नहीं है। सभी जो हैं यहाँ पर गर्म और खाद्य पदार्थों की ओर दौड़ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का ये मौसम है। आप देखेंगे ये है एक दुकान है जहाँ पर मशहूर दुकान है, यहाँ की तमाम जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और लगातार यहाँ पे ग्राहकी जो है गर्म खाद्य पदार्थों के लिए बढ़ी हुई है। किस तरह की सर्दी है यहीं पे जानते हैं कुछ लोगों से। आज जो सर्दी है ज़्यादा है, ज़्यादा है। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, लगा रहे हैं गर्म चीज़ें खा रहे हैं और शाम को जल्दी घर छुट्टी करके चले जाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से जो है कचौरी पकौड़ी की दुकानें हैं और वहीं पर जो लोग हैं उसका आनंद लेने पहुँचते हैं। सर्दी के आनंद के साथ साथ, बढ़ती सर्दी के आनंद के साथ साथ ये जो आनंद है अलग ही नज़ारा पेश करता है। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दुर्ग की तलहटी में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि मानपुरा गांव के पास में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुर्ग की तलहटी के इलाके में युवक का शव मिला है। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। सिर पर चोट के निशान होने से इस युवक के गिरने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये शव आखिर कैसे यहां तक पहुंचा, इस युवक की मौत कैसे हुई, क्या ये हत्या है या फिर मौत है, इसे लेकर के भी पुलिस पड़ताल कर रही है। और इसी बीच अलवर के बैरोड से बड़ी खबर, जहां पर बिजली नहीं आने से परेशान ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। किसानों ने पावर हाउस के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया है। गेट पर ताला लगाकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश का दौर फिलहाल जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की
फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही और इसी से किसान आक्रोशित है। ग्रामीणों से समझाइश का दौर चल रहा है। बैरोड के तसिंग गांव का मामला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन